नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, आज के टाइम पर एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कार को प्रायोरिटी पर रखना कितना जरूरी होता है, ये आप सभी को आए दिन सामने आ रहे एक्सीडेंट्स को देखकर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हालांकि जैसा बताया जाता है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में ये गाड़ियां भी कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरह के एक्सीडेंट में ये अपना बेस्ट देती हैं, और आप इन्हें अगर कायदे से चला रहे हैं तो फिर समझिए कुछ होना ही नहीं है। पर लोग कई बार गलतियां कर देते हैं। वो 5 स्टार गाड़ी तो खरीद लेते हैं पर उन्हें रूल्स को फॉलो करते हुए ड्राइव नहीं करते हैं, जिससे इन गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ये पहला एक्सीडेंट कुछ महीनों पहले मिस्टर भार्गव भट्ट ने शेयर किया था, जो स्कोडा कुशाक का हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक IIM अहमदाबाद के पास SUV से 3 लड़कियां कहीं जा रही थीं। अचानक इनकी गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और डिवाइडर पर चढ़ते हुए पलट गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी, इसी वजह से ड्राइवर टाइमली स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाई है और गाड़ी सीधा डिवाइडर में घुस गई है। हालांकि हो सकता है इसका और भी कोई रीजन रहा हो, जैसे डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग या अचानक शायद किसी का सामने आ जाना, लेकिन मेन रीजन कहीं ना कहीं ओवर स्पीडिंग ही था। खैर, गाड़ी अनकंट्रोल होकर पूरी तरह से पलट गई है। इसका छत नीचे और पहिया ऊपर हो गया है। डिवाइडर के इंपैक्ट से SUV के फ्रंट में थोड़ा बहुत डैमेज आया है शायद, जो क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन इसका बम्पर वगैरह टूट गया है। इसके अलावा और कोई बड़ा नुकसान गाड़ी में नहीं दिखाई पड़ रहा, ना ही इसके पिलर्स थोड़े भी मुड़े हैं और ना ही छत अंदर घुसा है। ये पूरी तरह से एकदम इंटैक्ट है। बात करें अंदर बैठे पैसेंजर्स की, तो किसी को इसमें बिल्कुल भी चोट नहीं आई। तीनों लड़कियां सेफ हैं। तो भाई, स्कोडा कुशाक का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था यहाँ, और इसी बेहतरीन और मजबूत स्ट्रक्चर की वजह से इसने फुल 5-स्टार रेटिंग्स स्कोर किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें कितने भी स्पीड में और कैसे भी चलाएंगे। अगला एक्सीडेंट भी एक 5-स्टार रेटेड जर्मन कार का है, जिसे महाराष्ट्र से मिस्टर वकार पटेल ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली मुंबई के मीरा भयंदर में फोक्सवैगन वर्टस का हुआ है, जिसका CCTV फुटेज भी है। यहाँ पर हुआ क्या कि वर्टस से उसके ओनर एक अपार्टमेंट के सामने से होते हुए जा रहे थे, तभी इनकी कार एकदम से अनकंट्रोल हो गई और सामने डिवाइडर में लड़कर पूरी पलट गई। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि गाड़ी के अचानक अनकंट्रोल होने का क्या रीजन था। ड्राइवर यहाँ रोड लिमिट से ऊपर गाड़ी को चला रहे थे और यह शायद अपार्टमेंट के सामने बने इस ब्रेकर को देख नहीं पाए, और जैसे ही गाड़ी इसके ऊपर आई, स्पीड की वजह से ये एकदम उछलते हुए अनकंट्रोल हो गई और डिवाइडर की टक्कर से यह टिल्ट होकर दो पहियों पर चलते हुए आगे जाकर पलट गई। हालांकि ये भी हो सकता है ड्राइवर ने ब्रेकर को देखने के बाद भी स्पीड कम ना किया हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी चीजें करते रहते हैं। अब इस जगह क्या था वो क्लियरली नहीं बोल सकते हैं। खैर, इसका एक्सीडेंट भी बिल्कुल कुशाक के जैसा ही हुआ है और उतना ही डैमेज इसमें भी दिखाई पड़ रहा। डिवाइडर से लड़ने की वजह से सेडान का फ्रंट, बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल वगैरह के साथ डैमेज हो गया है। बाकी यहाँ भी गाड़ी के छत और पिलर्स पूरी तरह से इंटैक्ट देखे जा सकते हैं, ये कहीं से थोड़े भी मुड़े नहीं लग रहे हैं। इसके अलावा भी ओवरऑल पूरी गाड़ी बिल्कुल सेफ है, फ्रंट छोड़कर दूसरे साइडों में कोई नुकसान नहीं आया है, और यही वजह थी कि इसका ड्राइवर भी शायद माइनर इंजरीज के साथ सेफ था, उसको भी ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। तो भाई, इस एक्सीडेंट में भी आप एक 5-स्टार रेटेड गाड़ी के स्ट्रक्चर की मजबूती साफ देख सकते हैं। दोनों तरफ से ज़बरदस्त इंपैक्ट पड़ने के बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं आया है। हालांकि आपको कई बार ये भी बताया जाता है कि इन गाड़ियों की मजबूती एक लिमिट तक ही होती है। अब अगर ऐसे ड्राइविंग करेंगे तो आज नहीं तो कल आपके लिए नुकसानदायक साबित हो जाएगा, और सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोग भी इसके चपेट में आ सकते हैं। अभी यहीं देख लीजिए, इस ऑटो में या सड़क पर चलने वाले 2-व्हीलर्स में सेडान लड़ गई होती तो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो इसीलिए खुद के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें और हमेशा फोकस्ड होकर और लिमिटेड स्पीड में ड्राइविंग करें। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कॉमेंट में बताइए। ये है NGF 132 का पार्किंग टैग। स्कैन द कोड टू कॉन्टैक्ट द व्हीकल ओनर। वो सीधा ओनर को कॉन्टैक्ट कर सकता है।